मैं जबीन और आप देख रहे हैं एक रेसिपी। जी हाँ, आज हम कोई कुकिंग नहीं करेंगे। जी हाँ, आज कुछ बातें करनी हैं आपसे रमज़ान के हवाले से। जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ान इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर और उसकी हमें तैयारी करनी है। ऐसे तैयारी करें कि हम इसको पूरी तरह से इस महीने की बरकतें और इबादतें और सब कुछ समेट लें। और हमारे रमज़ान में चूँकि रोज़ा रखा जाता है तो दिल भी चाहता है मज़े मज़े की चीज़ें खाने का, क्योंकि जो कि सिर्फ इस महीने में ही मज़ेदार लगती हैं। जी हाँ, सारा साल खाते रहें आप वो चीज़, वो मज़ा नहीं देती जो रमज़ान के महीने में मज़ा देती है। तो वो भी बनाएं, वो भी खिलाएं, अपनी फैमिली को भी खुश रखें और ख़ुद वर्क करें, नॉट हार्ड बट स्मार्ट। तो उसके प्रेप के हवाले से कि हम किस तरह अपनी चीज़ें पहले से तैयार करके रखें, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा जो है वो हार्ड वर्क रमज़ान से पहले कर लें, ताकि रमज़ान में मज़े से जनाब अपनी इबादतें करें और फैमिली को भी खुश कर दें और ख़ुद भी मुतमईन रहें। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी माओं का काम ही यही होता है कि अपनी फैमिली को खुश रखें। तो उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं हर साल रमज़ान से कुछ वीक्स पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल के बैठ के हम मेन्यू बनाते हैं कि रमज़ान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप खाना पसंद करेंगे, और फिर हम सारा वो हर डे के हवाले से लिख लेते हैं। तो वो मेन्यू मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या क्या बनाती हूँ। और इसके अलावा रमज़ान की चीज़ें पहले से प्रेप अगर करके रखें, जैसे समोसे हैं, जैसे हमारे जो पेटीज़ हैं, और इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं रमज़ान के अलावा से जो कि मैं बनाती हूँ, वो है वॉन्टॉन्स। जी हाँ, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और इस पूरे महीने में हम रमज़ान की चीज़ें बनाते रहेंगे और आप उसको देखिएगा, पसंद आएगा तो बना के रखिएगा पहले से, और जनाब मज़े कीजिएगा रमज़ान में सुकून के साथ। मैं सिर्फ 2 घंटे पहले किचन में जाती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें ऑलरेडी हाफ रेडी होती हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वाह वाह भी हो जाती है जनाब। तो ये हुई ना बात। तो इस तरह हम आपके साथ शेयर करेंगे इस पूरे महीने में रमज़ान की चीज़ें। होपफुली यू विल लाइक इट, यू विल मेक इट, एंड यू आप मुझे दुआ भी देंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारे पास, आपके पास आ रही हैं रमज़ान की रेसिपीज मज़ेदार। तो चलें फिर, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।